नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम फोटो देवी है। इंडियन वेज फूड चैनल में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, इंडियन वेज फूड की तरफ से दिवाली की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप लोग जो है दिवाली बहुत अच्छे से मनाएं, पटाखा भी बहुत ही आराम से बुलाएं। और चलिए, इस दिवाली के अवसर पे हम बनाते हैं कुछ मिठाई। तो दो प्रकार की मिठाई आप सबको बनाकर दिखाएंगे। वीडियो हमारे आप लोग पूरा देखेगा, वीडियो चलिए दोस्तों तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। तो चलिए चलते हैं चूल्हे के पास। तो इधर आग को हमने जला लिया है, हाथ को हमने धो लिया है, पतीले को हम रख देंगे चूल्हे पर। पतीले में हम आधा लीटर पानी डाल देंगे चाशनी बनाने के लिए। तो यहाँ पे हमने 2 किलो चीनी लिया हुआ है, तो 1 किलो चीनी हम डालेंगे और 1 किलो चीनी हम बचाएंगे, क्योंकि आज हमें 2 रेसिपी बनानी है। तो चीनी को हम बराबर चलाते हुए अच्छे से गला लेते हैं और इलायची का हम पाउडर बना लेते हैं। 500 ग्राम हमने खोवा लिया हुआ है, तो अब इसमें हम डाल देंगे मैदा। तो 200 ग्राम मैदा लिया हुआ है, इसमें हम 100 ही ग्राम मैदा डालेंगे। मावा को हम बहुत ही अच्छे से जो है गदोरी के सहारे मैश करेंगे, ताकि हमारा जो है जामुन एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हो। तो जो आज मैं गुलाब जामुन बनाऊंगी, उसमें जो है हम मीठा सोडा जो है बिल्कुल बिना डाले बनाकर आप सबको दिखाऊंगी एकदम परफेक्ट तरीके से। चाशनी को हम चेक कर लेंगे, तो आप सब देख सकते हैं एक लेयर सा हल्का सा हाथों में पड़ रहा है, तो समझ लीजिए हमारा गुलाब जामुन का जो है एकदम चाशनी बनकर तैयार है। तो इसी समय हम जो है चाशनी को उतार लेंगे नीचे और इसे हम पतीले में डाल देंगे। इसमें हम डाल देंगे जो है इलायची पाउडर। गुलाब जामुन बनाने के लिए कढ़ाई हमने रख दिया, इसमें हम डाल देंगे रिफाइन ऑयल। धीमी धीमी आंच पे हम रिफाइन ऑयल को गर्म कर लेते हैं। तो गुलाब जामुन का डो हमारा जो है तैयार हो गया है, हमने बहुत अच्छे से मैश किया हुआ है। तो हम फटाफट जो है लोई काट कर तैयार करते हैं जामुन का पीस बनाने के लिए। सारी लोइयां हमने देखिए जो है काट लिया है, तो अब हम जो है गुलाब जामुन बनाना शुरू करेंगे फटाफट। उधर तेल हमारा जो है गर्म हो रहा है, तो कुछ भी हमने बना लिया है गुलाब जामुन का। तेल इधर हमारा जो है गर्म हो गया है, तो गर्म तेल में हम गुलाब जामुन डालकर फ्राई करते हैं। धीमे आँच पर गुलाब जामुन को अच्छे से फ्राई करेंगे, ताकि हमारा गुलाब जामुन अच्छे से पके। आँच को ज़्यादा तेज नहीं करेंगे, तो जितने धीमे आँच में हम गुलाब जामुन को पकाएंगे, उतने गुलाब जामुन हमारे फूले फूले और सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे। तो आँच हमने बिल्कुल धीमी रखा है इस समय। तो आप सब देख सकते हैं धीमी धीमी आँच पर गुलाब जामुन हमारा बहुत अच्छे से जो है पक रहा है, दोनों तरफ पलट पलट के अपने आप से पलट रहा है। तो इस तरीके से पलट रहा है, एकदम परफेक्ट हमारा डो बनकर तैयार हुआ है गुलाब जामुन बनाने के लिए। देखिए अपने आप से डोल रहा है। तो गुलाब जामुन हमारा बहुत अच्छे से हो चुका है तेल में, अब इसे हम निकालेंगे बाहर। तो इसी तरह हम सभी गुलाब जामुन को बनाकर छान कर तैयार करते हैं। गुलाब जामुन हमारा देखिए बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है, इसे हम डाल देंगे चाशनी में। एकदम परफेक्ट गुलाब जामुन हमारा बनकर तैयार हुआ है। जो पहले हमने बनाया हुआ था, देखिए जो है पूरा गुलाब जामुन जो है अच्छे से डूब चुका है। अब हम बनाएंगे दूसरी मिठाई। तो इसके लिए हमने जो है यहाँ पे जो है तो 3 पाव हमने बेसन लिया हुआ है, 3 पाव इसमें हम डाल देंगे चीनी। तो जितना हमें चीनी लेना है उतना हमें बेसन लेना है। अब इसमें हम डाल देंगे पानी, तो थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। तो हम बना रहे हैं मोगदल लड्डू, तो इसे हम बराबर चलाते रहेंगे। चीनी का हम भुर्रा बना रहे हैं, तो आप सब देख सकते हैं बराबर चलाते चलाते बहुत मतलब 2-3 मिनट बीत चुका है। देखिए बहुत जल्द भुर्रा बनकर तैयार होगा। कढ़ाई के चारों तरफ जो है किनारे जमना शुरू हो गया है, तो इसी समय इसे हम नीचे उतार लेंगे, तभी हमारा भुर्रा बनकर तैयार होगा। तो इसे हम फटाफट इसी तरह चलाते रहेंगे, तभी हमारा जो है एकदम भुर्रा बनकर तैयार होगा मोगदल बनाने के लिए। तो जितने तेजी से इसे हम फेटेंगे, उतना अच्छा भुर्रा हमारा बनकर तैयार होगा मोगदल बनाने के लिए। ये देखिए जम रहा है।
ये देखिए भोरा हमारा बनकर एकदम रेडी हो गया है। मुगदल बना के एकदम परफेक्ट हमारा जो है भोरा बनकर तैयार हुआ है। तो अभी से हम कढ़ाई से निकाल लेंगे बाहर, उसके बाद मुगदल बनाना शुरू करेंगे। 3 पाव चीनी का हमने भोरा बनाया हुआ है, तो 500 ग्राम इसमें हम डाल दें चने का बेसन मुगदल बनाने के लिए। बेसन को हम 2 मिनट तक हल्का हल्का भून लेंगे धीमी धीमी आंच पे। तो चने के बेसन को हमने 2 मिनट तक जो है भुना हुआ है। अब इसमें हम डाल देंगे रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल में अच्छे से हम बेसन को पकाएंगे मिलाकर। तो तेल हम उतना डालेंगे रिफाइंड ऑयल जितने हमारा बेसन जो है गीला हो जाए, अच्छे से पक पाए। तो धीमी धीमी आंच में रिफाइंड ऑयल में अच्छे से बेसन को हम पकाएंगे ताकि हमारा मुगदल खाने में कच्चा न लगे। तो आप सब देख सकते हैं जितना तेल हमने डाला हुआ था पूरा जो है बेसन सोख लिया है। तो धीमी धीमी आंच में बेसन को जब हम पकाएंगे तो जितना तेल हमने डाला हुआ था पूरी तरह से वो बाहर निकल जाएगा पकने के बाद, और बेसन हमारा अच्छे से पक जाएगा। उतने समय तक इसे अच्छे से हम पका लेते हैं तेल में। तो आप सब देख सकते हैं कि बेसन हमारा जो है पूरी तरह से लाल हो गया है, कलर चेंज हो गया है, और जो पहले टाइट था देखिए एकदम ढीला हो गया है। तो देखिए बेसन हमारा पूरी तरह से एकदम लाल हो गया है, एकदम गीला हो गया है, तेल जो है सभी बाहर आ गए हैं। पकने के बाद तेल बाहर आ जाता है, इसमें कढ़ाई को हम उतार लेंगे नीचे, इसे थोड़ी देर चला देंगे नहीं नीचे जल जाएगा। अभी कढ़ाई काफी गर्म है। तो चीनी का भुर्रा हमारे देखिए बेटी डाल रही है, इस तरह से हम मिलाते जाएंगे, बेटी हमारी जो है चीनी डालती जाएगी। इतना जो है चीनी हम बेसन हमारा जो है चीनी सोखेगी उतने ही हम डालेंगे मुगदल बनाने के लिए। एक साथ में सारा चीनी नहीं डाल देना है चीनी का भुर्रा। ये देखिए सभी चीनी हमारी खप गई और बहुत अच्छे से इसे हम मिक्स करेंगे। अभी काफी गर्म है तो अभी कढ़ाई जो है काफी गर्म है, इसे हम जो है परात में निकाल लेंगे। इसमें हमने चीनी रखा हुआ था ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए। काफी शाम हो गई दोस्तों, बनाते रहे थोड़ा सा रात हो गया है। अब हम मुगदल बनाना शुरू करेंगे। अभी हल्का हल्का जो है अभी गर्म है। सब देख सकते हैं इतना परफेक्ट हमारा जो है मुगदल बनकर तैयार हुआ है। इसे हम फटाफट बनकर जो है ट्रे में रख लेते हैं। तो सभी मुगदल हमने बांध लिया, आप सब देख सकते हैं एकदम परफेक्ट हमने मुगदल बनाया हुआ है। अब हम हाथ को धो लेंगे। तो इधर आप देख सकते हैं जो गुलाब जामुन हमने बनाया हुआ था, तो सभी गुलाब जामुन हमारे चाशनी में बहुत अच्छे से डूब गए हैं। तो एकदम जो है परफेक्ट हमारा गुलाब जामुन बनकर तैयार है, मुगदल भी बनकर तैयार है दिवाली के अवसर पे। अब एक पीस हम आप सबको निकल कर दिखाते हैं कितना अच्छा हमारा जो है गुलाब जामुन बना हुआ है। ये देखिए काफी रसीला है, काफी सॉफ्ट भी है, और थोड़ा सा तोड़कर दिखाते हैं। देखिए ये देखिए अंदर तक बहुत अच्छे से चाशनी घुसा हुआ है गुलाब जामुन के अंदर। ये देखिए गिर रहा है अपने आप से। तो फटाफट एक थाली में हम इसे अच्छे से रख लेते हैं। तो दिवाली के अवसर पे मुगदल का लड्डू और गुलाब जामुन हमारा बनकर तैयार है। दोस्तों आज का हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। फिर मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी दिवाली।